अरे बाप रे, पानी पानी, वाटर, जल। पंडित जी, वो हल्दी का पानी है। हल्दी का पानी मदद करता है हार्ट अटैक से बचने के लिए। नारायण मूर्ति, आपके इस पुत्र के जन्म से पहले टेल मी सच डिड अ स्टॉर्म कमिंग? आया था। और जन्म होते ही बारिश। बारिश ही क्या पंडित जी, पूरे शहर में तूफान आया था। तूफान घर में नहीं, आपके बच्चे के रूप में आया है। नारायण जी, आपके बेटे ने ऐसे वक्त जन्म लिया है जब सारे मौसम का क्रोध चरम सीमा पर था। जब तक कोई नहीं लेगा पंगा, तब तक नहीं होगा दंगा। अगर किसी ने पंगा ले लिया, नहीं तो वर्ल्ड वॉर 4 हो जाएगा। अगर किसी ने इसकी तरफ उंगली उठाई या सिर्फ हाथ दिखा दिया, तो यह हाथ काट देगा। डर वाली बात है कि मैं या कोई और पंडित आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसके जन्म के वक्त ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों में वर्ल्ड वॉर हो रहा था, इसलिए इसका नेचर हमेशा हाइपर ही रहेगा। तनिक कान यहाँ लाइए, इसके एक खास पावर पॉइंट को नोट कीजिए। अपने जीवन में ये सिर्फ एक ही इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करेगा। किसी लड़की को? बिल्कुल नहीं, आपसे। मुझसे? इस बात पर बत्तीसी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है जजमान। ये तो बहुत खुश होने वाली बात है पंडित जी, इसमें फिक्र की क्या बात है? आपके लिए उसका प्यार सारे बॉर्डर्स क्रॉस कर देगा, तब जाके आपको मेरी बात समझ में आएगी। आपको नहीं, पूरी दुनिया को। देखा जाएगा। चलिए, बालक का नाम रखिए सूर्या। अति सूर्या। बाय बाय। हेलमेट लगाया करो पापा। आज हमारी प्यारी इंग्लिश टीचर का ब्रेकअप हुआ है, तो पहला पीरियड फ्री। ए शाहरुख, बता तू किसका फैन है? सलमान। मैं सलमान का फैन हूँ। और तू कृष्णकांत? रजनीकांत, द सुपरस्टार। सूर्य, तू बता। नारायण मूर्ति मेरे पापा, मैं अपने पापा का फैन हूँ। शांति, अलमारी में एक फाइल रखी है, जरा लेके आना। लाती हूँ। अरे जल्दी लाओ। अरे ला रही हूँ। क्या करती हो, जरा ध्यान से चला करो। आपने ही जल्दी करने को कहा ना। चलो बैठो। तुम्हारी मम्मी गिर गई, इसलिए दुखी हो? मुझे एक बात पूछनी है, लोग हमेशा गिरने के बाद मम्मी का नाम क्यों लेते हैं, पापा का क्यों नहीं? जवाब के लिए उसका प्यार पागलपन की सारी हदें तोड़ देगा, उसके बाद ही आप मेरी बात समझ पाएंगे। बढ़िया, दुनिया में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो माँ की जगह बाप का नाम लेते होंगे। अब मुझ पे हार चढ़ा दो। ए मूर्ति। अरे विनय, तुम क्यों भाई, फिर से शहर में ट्रांसफर होके आ गए? काम में ईमानदारी दिखाना अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से हर साल तुम्हारा ट्रांसफर हो जाता है। मेरी तरह बनो, कभी सोचा है भाभी और बच्चों को बार बार की शिफ्टिंग से कितनी प्रॉब्लम होती है? सुधर जाओ, नहीं तो खाल खींच लूंगा। तू अपने पापा से डरता होगा, लेकिन मेरे लिए अभी भी ये भाई की तरह है। अगर मुझे गुस्सा आया तो इसकी धुलाई भी कर सकता हूँ। ऐसे घूर के क्यों देख रहा है? जा बेटा, बाहर जाके खेल। भाभी, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि उसे गुस्सा आ गया? दोस्त को डांटना गलत है क्या? दोस्त को डांटना गलत नहीं, सूर्या के सामने डांटना गलत है। ये बात समझ में नहीं आई। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नाटक मंडली की ओर से द्रौपदी वस्त्रहरण नाटक की शुरुआत हो रही है। तालियों के साथ कलाकारों का हौसला बढ़ाए। चल चलो। धर्मराज, तुम ये दांव भी हार गए। अपने मुकुट को उतार कर मेरे चरणों में रख दो और अपनी पराजय स्वीकार करो। अरे भूकंप आ गया क्या? जान ले लूंगा तेरी, मेरे पापा को हराएगा, उन्हें अपने पैरों में गिराएगा। अरे कोई उस हाइपर राक्षस को रोको, वो गदा से मेरी खोपड़ी जाओ। अरे अपने पिता के लिए इतना प्यार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तेरा बाप धर्मराज का रोल कर रहा है, ये सब नाटक है। वो नाटक हो या हकीकत हो, धर्मराज हो या नारायण मूर्ति, उनका सर झुकाने वाले का सर ही उखाड़ दूंगा। Because I love my father। अगर इस उम्र में इतना हाइपर है तो बड़ा होकर क्या करेगा? लौकर, आप सोच रहे होंगे कि हम किसी का पीछा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं आए हैं। हम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, और जिससे भाग रहे हैं वो ये है। क्या सीन है, पुलिस मिल्खा सिंह से भी तेज भाग रही है। हेलो विक्की दादा, मैं शिंदे बोलता है, अपने आदमियों को लौकर भेजो। ये
बाबा क्या कर रहे हो, जल्दी भागो। अरे काय चल रहा है, अपने आदमियों को भेजते क्यों नहीं, अरे जल्दी भेजो। अरे मैं चौपाटी के सामने हूँ, किधर है तू? भाई के लोग पीछे आ गए। कितने आदमी है? एक आदमी, एक लौंडा, साला उससे डर गए तुम लोग? पीछे मुड़। क्यों बे, क्या प्रॉब्लम है बे तेरे को? ये सब पुलिस वाले अपन के एरिया में ड्यूटी बजाते हैं, हम सब एक ही फैमिली के हैं। हमारे सारे मैटर ये लोग सॉल्व करते हैं और इनके सारे लफड़े अपन लोग ही सलटाते हैं। हम लोगों की बोल्डिंग फेमिगोल से भी मजबूत है। ओ, तो पहले तुझे सलटाता हूँ, उसके बाद पुलिस का नंबर। सरस आइडिया जने। ए साले, ये है कौन जो अपन से भी नहीं डरा? सुन बले, अपनी गली का खली है तू, आके मसल पावर दिखा। कराटे 3 इयर्स, कुंग फू 6 इयर्स। एक्सेलेंट, थैंक यू। कंटाप देना आता है? वो क्या होता है? ये सुन शिंदे, पूरे गैंग में अपुन के पास एक ही फाइटर था और उसका भी इसने एक फटके में गेम बजा दिया। लेकिन तुम लोग डरकर मैदान छोड़कर मत भागना। ए भाई, आज से तुम भी अपुन की फैमिली का एक मेंबर हो, तुम्हें जो करना है इनके साथ कर लो। लौकर भाग, बच गए रे। नहीं, अब तो बचेंगी। ये चम्मा बहुत भाग लिया रे, चलो नीचे करो। क्या बोला सर? अरे शटर रे बाबा। सर, शटर कहीं को बंद कराया? लोगों के सामने पिटना नहीं चाहता सर, इंतजार मत कीजिए, प्रसाद दीजिए। अरे पापा, आपसे मिलने पुलिस वाले आए हैं। पुलिस वाले? कहिए क्या काम है? तुम्हें नारायण मूर्ति आए? हाँ? नमस्ते, मैं शिंदे आया और ये मेरी टीम, हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आए। आई शपथ, हमको क्षमा कर दो साहब। किस बात के लिए माफ कर दूं? तुम्हारे भाई ने जरूर कोई कांड किया होगा। जरा मैटर तो बताइए। पुलिस से क्यों पूछ रहे हो पापा? वो चोर आया है ना, उससे पूछो। बात क्या है बेटा? मुझे क्या पता पापा, मैं तो अभी अभी उठा हूँ। मम्मी कॉफी आपने? ये आपसे माफी मांगने आए, इन्हें माफ करके दफा कीजिए। ए, मुझसे होशियारी मत कर, सीधे सीधे बता बात क्या है। मुझ पे रॉब क्यों झाड़ रहे हैं? कल रात ऑफिस से लौटते हुए क्या हुआ था याद नहीं है? क्या हुआ था? आ जाओ फ्लैशबैक। हेलमेट नहीं पहना और पी के चला था? नहीं पी है। नहीं पे तूने? चल लो कर मुंह खोल, आधा टेस्ट कर ले, भूख मार बेवड़ा है सर। चला भाई, बस पिला रहे हो, ये ठीक नहीं है सर। हम लोग को सिखाएगा क्या? 500 निकालो, निकल वरना हवालात में 5000 लेंगे। पर मैं तो वहाँ नहीं था। हे पापा, थोड़ा रिवाइंड करके देखिए। सर, मैं तो लड़की हूँ, डिस्काउंट तो दीजिए। खैर, लड़की को डिस्काउंट क्यों, तुमको क्या डॉलर में पेमेंट मिलती है? वीकेंड कलेक्शन साला रे, चला दूसरों को जाने दे। रक्षा की भक्षक बन जाए तो किसी को तो इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तभी इन्हें अकल आएगी। पर वो तो मैंने अपने मन में बोला था, तुम्हें कैसे पता चला बेटा? मैं आपकी मन की बातें पढ़ सकता हूँ, इसीलिए इनकी धुलाई की। अच्छा क्या? क्या कहा तुमने? पुलिस वालों पर हाथ उठाया? अगर तुम पर केस फाइल कर देते तो तुम्हारा तो केस में इतना दम है कि इन पर केस करे। कितने अच्छे हैं ये, शटर बंद करके प्यार से धोया हमें। आजकल की यंग पीढ़ी बुजुर्गों की सुनती कहाँ है? और आपका ये कोहिनूर बेटा आपके बिना कुछ कहे सब कुछ सुन लेता है। आई शपथ वादा करते हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बुजुर्गों की इज्जत करेंगे और रिश्वत नहीं लेंगे। कह दीजिए कि आपने हमें माफ कर दिया ताकि हम ड्यूटी ज्वाइन कर सके। अरे जल्दी से माफ कर दो ना, हमारे दिल में और कोई मेल नहीं है। अरे नौकर, माफ करा साहब। अच्छा माफ किया। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटू या सिग्नल पर। ए, तुम्हें क्या लगता है दुनिया में अकेले तुम्हारे ही पापा हैं, औरों के पापा नहीं है? पापा, आपका पेट देखा आपने? छुपाइए मत। आपकी उम्र के लोग जिम जाते हैं और आपने ऐसे भुक्कड़ दोस्त पाले, टोन तो निकलेगी। मम्मी पापा नो टिफिन रेडी छे? रेडी छे। मम्मी क्या हुआ? फिर से व्हाइट राइस दिया है, इन्हें डॉक्टर ने ब्राउन राइस खाने को कहा है ना, इनका शुगर बढ़ जाएगा। इस लड़के का प्यार तो मेरे टिफिन तक पहुंच गया। हे भगवान, इतना ज्यादा प्यार करने वाला बेटा देने के लिए तुम्हारा थैंक्स। लेकिन ज्यादा शुगर की तरह ज्यादा प्यार भी सेहत के लिए डेंजरस होता है। हो सके तो मेरे बेटे को मेरे अलावा भी किसी और से प्यार करना सिखा दो भगवान, प्लीज। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, उस राक्षस से बचाना। एक्स्ट्रा टेंशन है क्या बालिके? ऑफिस में मेरा बॉस है ना, हर वक्त मुझे टॉर्चर करता है। या तो मेरी नौकरी छूट जाए या फिर उसका कहीं ट्रांसफर हो जाए। ईश्वर को ये ईमेल कर दो प्लीज। उन्हें मैं ट्वीट कर दूंगा। अब आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। हे भगवान, ये लड़की जो भी मांग रही है इसकी मनोकामना पूरी करना। मैसेज सेंड हो गया, प्रसाद लो। बालिके, ये पूजा की घंटी है। सॉरी, तुम्हारी व्याकुलता मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी सभी समस्या के निवारण के लिए ईश्वर तुम्हें एक सुपरमैन भेजेगा।
क्या मम्मी ये ओल्ड फैशन धोती क्यों पहना दी? वो ओल्ड फैशन नथी छू, मंदिर में ऐसे कपड़े ही पहनने चाहिए। पैंट शर्ट तो रोज पहनते हो। अरे फूल लाना भूल गई, जाओ लेकर आओ जाओ। अभी लाता हूं। भगवान ने नारियल फूटने से बचा लिया। सॉरी अंकल। इट्स ओके बेटा। इट्स नॉट ओके अंकल। भगवान को नारियल का पानी चढ़ाया जाता है ना, क्योंकि ये पानी बहुत शुद्ध होता है। अगर ये नारियल गिर जाता तो भगवान को चढ़ाने लायक नहीं रहता ना। क्या नाम है तुम्हारा? भानुमती। बहुत सुंदर नाम है। थैंक यू अंकल। जिसके घर की बहू बनेगी वो घर बहुत भाग्यशाली होगा। अगर ये आपको इतनी पसंद है तो किसी और घर की क्यों, अपने घर की बहू बनेगी। नागिन की तरह बल खाते हुए चलती है डसने को तैयार, और उसकी जुल्फें हवा में तैरते काले बादल जितनी घनी, और उसकी लचकती कमर इस इंडियन ओशन जितनी विशाल। बहुत मोटी थी क्या? मोटी नहीं, ब्यूटीफुल। ये तो बताओ उसका चेहरा कैसा था? चेहरा दिखता तो बताता ना, मैंने उसे सिर्फ पीछे से देखा है। मतलब सिर्फ बैग देख के ही उसे प्यार हो गया? यस। मेरे भाई, कुछ लड़कियां पीछे से मर्सिडीज बेंज जैसी दिखती हैं, पर सामने से थ्री सीटर ऑटो होती है। पापा ने उसे देखा है, उन्हें वो पसंद है। पापा ने पसंद किया है तो वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की होगी। यही वजह है कि मैं उसके प्यार में पड़ गया, बस उसे ढूंढ के अपना बेटर हाफ बनाना। तू बिना उसकी शक्ल देखे इतने बड़े शहर में उसे कैसे ढूंढेगा? देख, मैंने जब उसकी बैक साइड को देखा ना, तो दिल में शॉर्ट सर्किट हो गया। जिस लड़की की सुंदर बैक को देखकर लव का ट्रांसफार्मर ऑन हो जाए, वही लड़की मेरे पापा की बहू बनेगी। So, we are searching for all backs. Okay,